यहां सवाल तय है, आना ही है। इसमें क्या बताया है? एलन मस्क ने व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है और मैंने 100 रुपए की संपत्ति को ऐसे नीतियां बना ली कि 20 रुपए रह गए, तो मैंने अपनी संपत्ति का नुकसान किया ना 80 रुपीज। तो एलन मस्क जो है बहुत बड़ा, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था, अब सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, थर्ड हमारा गौतम अडानी है, सेकंड जो है फ्रांस का फर्नीचर कंपनी का मालिक है। तो ये टेस्ला का शेयर बेचता चला गया ट्विटर खरीदने के लिए और 3 बार शेयर बेचा जिससे टेस्ला के शेयर नीचे चले गए और इससे इसका अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो पर्सनल संपत्ति में सबसे बड़ा नुकसान विद इन द ईयर एलन मस्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कभी सॉफ्ट बैंक का मालिक जापान का जो 80 अरब डॉलर का मालिक था 19 अरब डॉलर पे आ गया गलत नीतियों की वजह से, तो कभी वो बड़ा नुकसान हुआ, कभी सॉफ्ट बैंक का मालिक ऐसा कर चुका है। तो आइए जरा बात करें हम दुनिया के 3 सबसे अमीर कौन हैं और इसने क्या नुकसान उठाया। तो आइए, तो ये तो आपने पिक्चराइजेशन देख लिया, अब डाटा आपके पास यहां है। आइए, ज्यादा नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की मान्यता देने वाले संगठन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपना एक ब्लॉग पे कहा है कि मस्क ने नवंबर 2021 से लगभग 182 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है। एलन मस्क की नेटवर्थ नवंबर 2021 में 320 अरब डॉलर का मालिक था, 320 अरब डॉलर, और 2023 में आके 137 अरब डॉलर रह गई। समझ में आया? 320 से 137 पे आ गया, लगभग 125 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। ऐसा क्यों? उसने जो है ट्विटर खरीदने के चक्कर में 3 बार अपनी ही कंपनी टेस्ला का शेयर बेचा, तो जिससे उसका लोगों का बिलीफ सिस्टम खत्म हो गया, लोग और बेचने लगे, सीधा नीचे धड़ाशाही हो गया। अब कुल मिला के बात यह है कि फिलहाल दुनिया के 3 सबसे बड़े अमीर कौन है। आइए, ध्यान देना है, एलन मस्क को छोड़िए, अब दुनिया के सबसे बड़े अमीर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फ्रांस के बर्नार्ड, ठीक है, अनॉल्ट के पास चला गया, जो लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी लुई विटानो का संस्थापक है और उसके पास 190 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया में नंबर 1 पे है। नाम क्या है? बर्नार्ड अनॉल्ट, फ्रांस का है, लुई विटानो एक बड़ी ही लग्जरियस सामान बनाने वाली कंपनी है, इसके फर्नीचर देखेंगे तो लगेगा जहां स्वर्ग में बैठे हैं, और अर्नाल्ट कार भी इसी का है जो देश में चलता है। अब आइए दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप भी जानते हैं, यही एलन मस्क है जो दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी हो गया है, और तीसरे पे गौतम अडानी है जनाब, तीसरे नंबर पे, तो यह भी आपके पास आ गया। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन की बात करें हम।